हेलो फ्रेंड्स, डिजिटल शिक्षा के ऑनलाइन क्लास में मैं रमन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज की यूपी स्पेशल की क्लास में हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेले एवं महोत्सव के बारे में, जहां से लेखपाल की परीक्षा में एक प्रश्न बन जाता है, या फिर मेला पूछ लेगा या तो फिर महोत्सव पूछ लेगा। तो आज हम लोग इन पर बात करेंगे। उत्तर प्रदेश में होने वाली समस्त परीक्षाओं के लिए ये टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेले एवं महोत्सव सबसे पहले हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के मेले। आपको दिख रहा है यहां तक? बताइए कमेंट करके, यहां तक दिख रहा है आपको? देखिए, उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेलों की संख्या तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन हमको वही मेले पढ़ने हैं जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण हैं। उत्तर प्रदेश में मेलों की संख्या बहुत अधिक है, आए दिन उत्तर प्रदेश में मेले लगे रहते हैं। ठीक है, अगर हम लोग उत्तर प्रदेश में मेलों की संख्या पर बात करें, उत्तर प्रदेश में मेलों की संख्या लगभग कितनी है बताएगा कोई कमेंट करके? लगभग 2250 मेले। कितने? 2250 मेले लगभग लगते हैं उत्तर प्रदेश में। अगर हम सर्वाधिक मेलों की बात करें कि किस जिले में लगते हैं सर्वाधिक मेले कहाँ पर लगते हैं, तो सर्वाधिक मेले लगते हैं मथुरा में। कहाँ पर? मथुरा। यहाँ पर लगभग कितने मेले लगते हैं? 86। इसके बाद आता है कानपुर में कितने मेले लगते हैं? 80 लगभग। इसके बाद आता है हमीरपुर में लगभग कितने मेले लगते हैं? 79। और सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं? सबसे कम मेले उत्तर प्रदेश में, सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं? तो ये लगते हैं पीलीभीत। लगभग कितने मेले लगते हैं? 2। ठीक है, इतना आप ध्यान रखें। उत्तर प्रदेश में लगभग 2250 मेलों का आयोजन होता है। सर्वाधिक मेले कहाँ लगते हैं? मथुरा में। कितने? लगभग 86। इसके बाद आता है कानपुर में कितने मेले लगते हैं? 80। इसके बाद आता है हमीरपुर में कितने मेले? 79, यानी कि 79। उत्तर प्रदेश में सबसे कम मेले कहाँ पर लगते हैं? पीलीभीत में, लगभग 2 मेले। अब हम लोग देखते हैं इसके बाद विश्व का सबसे बड़ा मेला बताइए भाई कौन सा? विश्व का सबसे बड़ा मेला जो कि उत्तर प्रदेश में लगता है, कहाँ पर लगता है और कौन सा मेला लगता है? तो कौन सा मेला लगता है बताइए भाई? कुंभ मेला कहाँ पर लगता है? प्रयागराज। देखिए, प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है, महाकुंभ। और प्रत्येक छह वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है, अर्धकुंभ। और भारत में कुंभ का आयोजन
कितने स्थानों पर होता है? कुंभ का आयोजन आयोजन कितने स्थानों पर होता है? चार स्थानों पर। कौन कौन से? पहला प्रयागराज, दो तीन और चार। देखिए पहला कौन सा है? प्रयागराज। भारत में चार स्थानों पर कुंभ का आयोजन होता है, पहला कौन सा है? प्रयागराज। प्रयागराज। इसके बाद आते हैं हरिद्वार। हरिद्वार। प्रयागराज कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश में। हरिद्वार कहाँ पर है? उत्तराखंड। उत्तराखंड। इसके बाद आते हैं नासिक। नासिक में भी कुंभ का आयोजन होता है, नासिक कहाँ है? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र। इसके बाद हम लोग आते हैं उज्जैन। उज्जैन में भी कुंभ का आयोजन होता है, उज्जैन कहाँ पर है? मध्य प्रदेश। ठीक, यहाँ तक बात समझ में आई। उत्तर प्रदेश में मेलों की संख्या लगभग कितनी है? 2250। सर्वाधिक मेले मथुरा में 86 मेले, कानपुर में 80, हमीरपुर में 79, 79। सबसे कम मेला कहाँ पर लगता है? उत्तर प्रदेश में पीलीभीत में। विश्व का सबसे बड़ा मेला, भारत का ही नहीं बल्कि विश्व का सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला। कहाँ पर लगता है? प्रयागराज में। प्रत्येक 12 वर्ष में महाकुंभ का आयोजन होता है और प्रत्येक 6 वर्ष में अर्धकुंभ का आयोजन होता है। भारत में कुंभ का आयोजन चार स्थानों पर होता है, कहाँ पर? पहला प्रयागराज उत्तर प्रदेश में, दूसरा हरिद्वार उत्तराखंड में, तीसरा नासिक महाराष्ट्र में और चौथा उज्जैन मध्य प्रदेश में। ठीक है, इतना आप नोट डाउन कर लें। इसके बाद हम लोग बात करते हैं एक एक करके उत्तर प्रदेश के मेलों के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे प्रयागराज में किन किन मेलों का आयोजन होता है। प्रयागराज, प्रयागराज, प्रयागराज में किन किन मेलों का आयोजन होता है? तो सबसे बड़ा मेला कौन सा है? कुंभ मेला। कुंभ मेला। इसके बाद हम लोग देखते हैं माघ मेला। माघ मेला। और किस मेला का आयोजन होता है प्रयागराज में? बताइए भाई। शिल्प मेला। शिल्प मेला। ठीक है, ये तीन आप याद रखें, प्रयागराज में कुंभ मेला, माघ मेला और शिल्प मेला। ठीक है, इसके बाद हम लोग देखते हैं, चलते हैं मेरठ। मेरठ में देखते हैं कौन से मेले का आयोजन होता है। मेरठ नंबर दो पर लिखिए आप लोग, मेरठ। मेरठ। मेरठ में कौन सा मेला लगता है बताइए भाई? यहाँ पर नौचंदी मेला। कौन सा? नौचंदी मेला। नौचंदी मेला। मेरठ के अंदर नौचंडी देवी का मंदिर है और वहीं पर ये मेला लगता है। कौन सा? नौचंडी देवी का मंदिर है। नौचंडी देवी मंदिर, यहीं पर इस मेले का आयोजन होता है। कौन से? नौचंदी मेला बहुत फेमस है मेरठ का, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा भी गया। कौन सा? नौचंदी मेला कहाँ पर लगता है? मेरठ में। इसके बाद देखते हैं हम लोग, देखते हैं सहारनपुर नंबर तीन पर। सहारनपुर। सहारनपुर बताइए भाई, सहारनपुर में किस मेले का आयोजन होता है? तो यहां पर शाकंभरी देवी मेला का आयोजन होता है। शाकंभरी। शाकंभरी। शाकंभरी देवी मेला। ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत? सहारनपुर में किस मेला का आयोजन होता है? शाकंभरी देवी मेला। इसके बाद देखते हैं हम लोग हापुड़। हापुड़ में देखते हैं, देखिए हापुड़ में किस मेले का आयोजन होता है? हापुड़ नंबर चार पर इसे लिख लीजिए। हापुड़। हापुड़।
हापुड़ में किस मेले का आयोजन होता है बताइए भाई। तो यहाँ पर गढ़ मुक्तेश्वर मेला, कौन सा? गढ़ मुक्तेश्वर, मुक्तेश्वर मेला, कौन सा? गढ़ मुक्तेश्वर मेला कहाँ पर? हापुड़ में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग आगरा आते हैं, आगरा में देखते हैं किन मेलों का आयोजन होता है। आगरा 5 नंबर पर, आगरा, आगरा का बताइए, एक बहुत ही प्रसिद्ध मेला है, वो मेला कौन सा है बताइए। आगरा में एक बहुत फेमस मेला है, कौन सा मेला है बताइए, जो परीक्षाओं में भी पूछा गया है कई बार, बताइए भाई। देखिए बटेश्वर मेला, बटेश्वर मेला, कहाँ पर लगता है? आगरा में। इस बटेश्वर मेला में बहुत अन्य प्रकार के, विभिन्न प्रकार के ऊंट की प्रजातियां, घोड़े की, अच्छी नस्ल के घोड़े यहाँ पर प्रतियोगिताएं होती हैं, पशुओं की खरीद फरोख्त, प्रदर्शनी होती है पशुओं की, इसे पशु मेला भी कहते हैं। किसे? बटेश्वर मेला को, पशु मेला। और इसे किस नाम से जानते हैं? ऊंट मेला, ऊंट मेला, ठीक है। और किस मेले का आयोजन होता है आगरा में बताइए भाई, आगरा में और किस मेले का आयोजन होता है? ये तो हो गया बटेश्वर मेला, और किस मेले का आयोजन होता है? गढ़खौर मेला, कौन सा? गढ़खौर, गढ़खौर, गढ़खौर मेला कहाँ लगता है? आगरा में। और कौन सा? कैलाश मेला, कैलाश मेला कहाँ पर लगता है? आगरा के अंदर, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं एक पशु मेला और है, उत्तर प्रदेश में दो पशुओं से मेला बहुत संबंध, मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है, पशुओं के दो मेला, 6 नंबर पर लिखिए, बलिया, बलिया में किस पशु मेले का आयोजन होता है बताइए, कौन सा मेला लगता है बलिया में? ददरी मेला, कौन सा? ददरी मेला, ददरी मेला, ये भी कैसा? एक पशु मेला है, पशु मेला। और कौन सा? बटेश्वर मेला कहाँ लगता है? आगरा के अंदर, पशु मेला या फिर ऊंट मेला, ददरी मेला, ये भी एक पशु मेला है, ये कहाँ पर लगता है? बलिया में लगता है, ठीक है, यहां तक कोई दिक्कत। अब हम लोग देखते हैं मथुरा में, नंबर 7 पर लिख लीजिए आप मथुरा, मथुरा में बताइए, मथुरा में कितने मेले लगते हैं? 86, आए दिन मतलब मथुरा में मेला लगा रहता है, बताइए कौन कौन से मेले? बहुत से मेले लगते हैं, लेकिन हम लोगों को वही मेला पढ़ना है जो पूछा जाता है, जो परीक्षा के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है। बताइए भाई कंस मेला कहाँ पर लगता है? कंस मेला मथुरा के अंदर, झूला मेला, झूला मेला, गुड़िया मेला, गुड़िया मेला, और कौन सा लगता है? देव छठ मेला, देव छठ मेला, ये सभी मेला कहाँ पर लगते हैं? मथुरा के अंदर, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? इसे आप नोट डाउन कर लें, फिर हम लोग आगे बात करें। देखिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभ मेला, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, कुंभ और माघ मेला कहाँ पर लगते हैं? प्रयागराज में, मेरठ में, नौचंदी मेला, ये भी बहुत फेमस है, परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है, बहुत बड़ा मेला लगता है। इसके बाद आते हैं आगरा के अंदर, कौन सा? बटेश्वर मेला। इसके बाद आते हैं बलिया में, ददरी मेला, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक है, इनको आप नोट डाउन कर लीजिए। इसके बाद हम लोग आगे बात करते हैं, चलिए अब हम लोग आते हैं फरुखाबाद में, फरुखाबाद
फरुखाबाद के अंदर किन किन मेलों का आयोजन होता है? फरुखाबाद, फरुखाबाद बताइए भाई, फरुखाबाद के अंदर किन किन मेलों का आयोजन होता है? 8 नंबर आप लोग डाल लीजिए इसमें। फरुखाबाद के अंदर किन किन मेलों का आयोजन होता है? देखिए, श्रृंगी रामपुर मेला कहाँ लगता है? फरुखाबाद के अंदर श्रृंगी रामपुर मेला, श्रृंगी रामपुर मेला ठीक है। इसके बाद देखते हैं हम लोग, श्रृंगी रामपुर के बाद महत्वपूर्ण श्रावणी मेला, श्रावणी मेला और कौन सा? रामनगरिया मेला, रामनगरिया, रामनगरिया मेला और कौन सा? मक्कनपुर मेला, मक्कनपुर मेला ठीक है। अब हम लोग देखते हैं बांदा, बांदा में आते हैं, बांदा में किस मेले का आयोजन होता है? बांदा में 9 नंबर पर आप डाल लीजिए बांदा। बांदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? बताइए भाई, बांदा उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? देखिए, बांदा में कौन सा मेला? कालिंजर मेला, कालिंजर मेला, कालिंजर मेला। देखिए, बांदा उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में मिलता है, और वहाँ बांदा में एक किला है, कौन सा? कालिंजर किला। और उस कालिंजर किला के अंदर इस मेले का आयोजन होता है, जिसका नाम है कालिंजर मेला। जब हम इस मेला में जाएंगे तो हमें बुंदेलखंड की जो संस्कृति है, कला है, खान पान है, उससे हम लोग परिचित होंगे। ये मेला बुंदेलखंड की संस्कृति कला को प्रदर्शित करता है। कौन सा? कालिंजर मेला कहाँ पर लगता है? बांदा में, बांदा में जो किला है उसके अंदर ये मेला लगता है। इम्पोर्टेंट है, इसे आप ध्यान रखें, बांदा में कालिंजर मेला ठीक है। हम लोग देखते हैं रामायण मेला, रामायण मेला कहाँ पर लगता है? देखिए भाई, रामायण मेला, रामायण मेला बताइए भाई कहाँ पर लगता है? भगवान राम को वनवास के बाद कहाँ जाना पड़ा था? चित्रकूट के जंगलों में रहे थे, तो ये मेला कहां पर लगता है? चित्रकूट में। 10 नंबर पर आप लोग डाल लीजिए चित्रकूट। किस मेले का आयोजन होता है? रामायण मेला। कहां पर लगता है? चित्रकूट में। यहीं पर आप लिख लीजिए 11 नंबर पर, दिख रहा है यहां तक आपको? 11 नंबर पर यहां पर डाल लीजिए आप। अयोध्या में एक मेले का आयोजन होता है जो मुख्य मुख्य है, यानी कि इंपॉर्टेंट है, अयोध्या, अयोध्या। कौन सा मेला? रामनवमी मेला, रामनवमी मेला, रामनवमी मेला, रामनवमी मेला, रामनवमी मेले के आयोजन कहां पर होता है? अयोध्या में। रामायण मेला कहां पर लगता है? चित्रकूट में ठीक है। हम लोग आगे बात करें, यहां पर देखिए, देखिए हम लोग आगे बात करते हैं। यहां तक अगर कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कमेंट करिए और बताइए कहां पर डाउट है आपको। देखिए, वाराणसी के अंदर कौन सा मेला लगता है जो प्रसिद्ध है? वाराणसी कौन सा नंबर? 12 नंबर, 12 नंबर में लिख लीजिए आप वाराणसी। वाराणसी के अंदर किस मेले का आयोजन होता है जो कि प्रसिद्ध है? बताइए भाई, यहाँ पर रथ यात्रा मेला, रथ यात्रा, रथ यात्रा ठीक है। चलिए भाई, यहाँ तक कोई डाउट है तो कमेंट करके पूछिए, यहां तक अगर कोई डाउट है तो कमेंट करिए कमेंट बॉक्स में।
चलिए भाई आगे बढ़ते हैं। वाराणसी में रथ यात्रा मेला, रथ यात्रा मेला और कौन सा लगता है? नटकटैया मेला, नटकटैया मेला कहाँ पर? वाराणसी के अंदर। चलिए भाई आगे देखते हैं हम लोग। 13 नंबर पर, 13 नंबर पर देखिए खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है? गोरखपुर में। गोरखपुर के अंदर कौन सा मेला लगता है? गोरखपुर, गोरखपुर कौन सा मेला? खिचड़ी मेला। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार परीक्षाओं में पूछा गया है खिचड़ी मेला। खिचड़ी मेला कहाँ पर लगता है बताइए भाई? गोरखपुर के अंदर कौन सा खिचड़ी मेला इंपॉर्टेंट है। इसके बाद देखते हैं देवा शरीफ मेला, बहुत इंपॉर्टेंट। देवा शरीफ 14 नंबर कहाँ पर लगता है? बाराबंकी के अंदर। बाराबंकी, बाराबंकी के अंदर कौन सा मेला? देवा शरीफ मेला। देवा शरीफ मेला बाराबंकी के पास एक स्थान है देवा, और वहीं पर देवा शरीफ या फिर देवा मेला का आयोजन होता है, इसे देवा मेला भी कहते हैं। ठीक है, देवा शरीफ मेला कहाँ पर? बाराबंकी में। खिचड़ी मेला कहाँ पर? गोरखपुर में। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है, आगे देखते हैं देवी पाटन मेला 15 नंबर पर। देवी पाटन मेला 15 नंबर कहाँ पर लगता है बताइए भाई? बलरामपुर में। बलरामपुर कौन सा? देवी पाटन मेला, देवी पाटन मेला चलिए इसके बाद देखते हैं 16 नंबर पर। 16 नंबर पर बताइए भाई बहराइच में कौन सा मेला लगता है? बहराइच, 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 बहराइच के अंदर कौन सा मेला लगता है जो कि फेमस है? कौन सा? सैयद, सैयद सालार मेला। कौन सा? सैयद सालार मेला। सैयद सालार मेला कहाँ पर लगता है? बहराइच के अंदर। ठीक है, चलो भाई इतने हो गए उत्तर प्रदेश के मेला जो मुख्य मुख्य है, जहाँ से प्रश्न बनता है। सभी पढ़ने से कोई फायदा नहीं, कोई बेनिफिट नहीं है। उन्हीं को हम लोग पढ़ेंगे जो परीक्षा में पूछे जाते हैं, जो इंपॉर्टेंट है, बहुत फेमस है, जहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक है, यहाँ तक। अगर आपको कोई दिक्कत है कमेंट करके बताइए। अगर सेशन अच्छा लग रहा है तो क्लास को लाइक कर दीजिए। चलिए इसके बाद हम लोग बात करेंगे उत्तर प्रदेश के महोत्सव। चलो भाई चलिए भाई अब हम लोग बात करते हैं उत्तर प्रदेश के महोत्सव। उत्तर प्रदेश के महोत्सव, उत्तर प्रदेश के महोत्सव चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं लखनऊ की। नंबर एक पर डाल लीजिए आप लखनऊ। लखनऊ, लखनऊ में किस महोत्सव का आयोजन होता है बताइए भाई? यहां पर लखनऊ महोत्सव का आयोजन होता है। लखनऊ महोत्सव, लखनऊ महोत्सव, और इसका क्या नाम है? तहजीब ए लखनऊ के नाम से भी जाना जाता है लखनऊ महोत्सव। तहजीब ए लखनऊ, तहजीब ए लखनऊ, लखनऊ, लखनऊ में लखनऊ महोत्सव का आयोजन। अब हम लोग बात करेंगे आगरा की। आगरा नंबर दो पर आप लोग डाल लीजिए आगरा। आगरा देखिए आगरा में किस महोत्सव का आयोजन होता है? तो ताज महोत्सव।
ताज नगरी किसे कहते हैं? आगरा को। कौन सा महोत्सव? ताज महोत्सव। ताज महोत्सव, ताज महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? आगरा के अंदर। इसके बाद देखते हैं हम लोग, बहुत इंपॉर्टेंट एक महोत्सव है जो आगरा के अंदर मनाया जाता है, कौन सा? सुलह कुल महोत्सव। सुलह कुल महोत्सव, सुलह कुल महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? आगरा के अंदर। और इसकी खास बात क्या है? इसे हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक भी माना जाता है। किसे? सुलह कुल महोत्सव, हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक, एकता का प्रतीक। इसीलिए ये परीक्षाओं में बार बार पूछा जाता है कि सुलह कुल महोत्सव कहाँ मनाया जाता, या फिर ऐसे दे देगा कि हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस महोत्सव को कहते हैं, तो सुलह कुल महोत्सव को। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? और यहाँ पर एक और देख लेते हैं कि एक और कौन सा है, वो है राम बारात। राम बारात, बारात ये बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। कौन सा? सुलह कुल, सुलह कुल महोत्सव कहां पर मनाया जाता है? आगरा के अंदर। हिंदू मुस्लिम एकता का प्रतीक किस महोत्सव को कहते हैं? सुलह कुल महोत्सव। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। देखिए, आते हैं झांसी। झांसी में किस महोत्सव का आयोजन होता है? देखिए, नंबर 3 पर आप लोग डालिए झांसी। झांसी उत्तर प्रदेश के किस क्षेत्र में पड़ता है? तो बुंदेलखंड क्षेत्र। देखिए, झांसी में किस महोत्सव का आयोजन होता है? तो आयुर्वेद झांसी महोत्सव, आयुर्वेद, आयुर्वेद झांसी महोत्सव, आयुर्वेद झांसी महोत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? झांसी के अंदर। इस महोत्सव में, आयुर्वेद झांसी महोत्सव में, विभिन्न प्रकार की आयुर्वेदिक उत्पादों का प्रदर्शन होता है, विभिन्न प्रकार की जड़ी बूटियों आयुर्वेद उत्पादों का प्रदर्शन होता है। कहाँ पर? आयुर्वेद झांसी महोत्सव झांसी के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए हम लोग देखते हैं, आते हैं कानपुर के अंदर, 4 नंबर पर। कानपुर, कानपुर देखिए, कानपुर में कौन सा उत्सव मनाया जाता है? बिठूर महोत्सव, बिठूर, बिठूर महोत्सव। यहाँ पर लोग गंगा स्नान भी करने जाते हैं, बिठूर महोत्सव। और यहाँ पर अधिक मात्रा में आपको तांत्रिक मिलेंगे, यानी कि भूत भगाने वाले लोग मिलेंगे। कहाँ पर? बिठूर महोत्सव के अंदर। यहाँ पर लोग गंगा स्नान करने भी जाते हैं, कहाँ पर? कानपुर, बिठूर के अंदर। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? चलिए अब हम लोग चलते हैं मथुरा में, 5 नंबर। मथुरा, चलिए भाई, यहाँ पर देखिए सबसे प्रमुख महोत्सव कौन सा है? लठमार होलिका महोत्सव, लठमार होलिका महोत्सव, लठमार होलिका महोत्सव कहाँ पर? बरसाना मथुरा के अंदर, बरसाना मथुरा के अंदर। कौन सा महोत्सव? लठमार होलिका महोत्सव। होली तो पूरे देश में मनाई जाती है, लेकिन लठमार होली मुख्य रूप से बरसाना मथुरा के अंदर मनाई जाती है। चलिए अगला देखिए, जो कि मथुरा का ही एक और क्या है, महोत्सव है, उसके बारे में हम लोग बात करते हैं, उसे भी आप लिख लें। ठीक है, पहला हो गया लठमार होलिका महोत्सव। इसके बाद देखते हैं यमुना महोत्सव। कौन सा? यमुना महोत्सव, यमुना महोत्सव ठीक है,
यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? चलिए छह नंबर देखते हैं। छह नंबर पर कहाँ आते हैं? प्रयागराज। प्रयागराज अभी नहीं हुआ है, प्रयागराज में देखिए, प्रयागराज, प्रयागराज में उन महोत्सवों को बताइए जो बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बताइए भाई, किसी को पता है? त्रिवेणी गंगा महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज के अंदर। त्रिवेणी गंगा महोत्सव, त्रिवेणी गंगा महोत्सव, त्रिवेणी संगम कहाँ पर है? प्रयागराज के अंदर। किन किन नदियों का संगम है? गंगा, यमुना और सरस्वती। लेकिन वर्तमान में दो ही नदियां हैं, कौन सी? गंगा और यमुना। सरस्वती विलुप्त हो चुकी, जबकि इसका जो उल्लेख है वो पुराणों में या प्राचीन ग्रंथों में मिलता है कि यहाँ पर कभी सरस्वती का संगम भी हुआ करता था गंगा यमुना के साथ। लेकिन वर्तमान में दो ही नदियां हैं, कौन सी? गंगा और यमुना। ठीक है, इसके बाद देखते हैं प्रयागराज में और कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। वाटर स्पोर्ट महोत्सव। कौन सा? वाटर स्पोर्ट महोत्सव, वाटर स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स महोत्सव, महोत्सव ये भी कहाँ मनाया जाता है? प्रयागराज के अंदर। त्रिवेणी गंगा महोत्सव और वाटर स्पोर्ट महोत्सव ये दोनों कहाँ मनाए जाते हैं? प्रयागराज के अंदर। चलिए भाई, किसी कोई दिक्कत? आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक ऐसे आप नोट डाउन कर लें, ये इम्पोर्टेंट रहेगा आपका। मथुरा में लठमार होलिका महोत्सव, चलिए अब लोग आते हैं वाराणसी में। वाराणसी के अंदर देखते हैं कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। वाराणसी, बताइए भाई, वाराणसी, वाराणसी में देखिए कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। तो कौन सा? गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव, गंगा महोत्सव। लेकिन अब इसका नाम बदल दिया गया है, क्या है नया नाम? क्या है बताइए भाई, नया नाम? बताओ भाई, नया नाम क्या है? काशी गंगा महोत्सव, काशी गंगा महोत्सव। कब बदला गया? 2018 में। ठीक है, गंगा महोत्सव वाराणसी के अंदर, इसका नया नाम काशी गंगा महोत्सव 2018 से। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत? अब हम लोग चलते हैं मेरठ। मेरठ में देखते हैं कौन सा महोत्सव मनाया जाता है। मेरठ के अंदर, मेरठ, बताइए भाई, मेरठ में किस महोत्सव का आयोजन होता है जो कि महत्वपूर्ण है? बताइए भाई, तो कौन सा महोत्सव? सरधाना महोत्सव, सरधाना महोत्सव, सरधाना महोत्सव कहाँ होता है? मेरठ के अंदर। अब हम लोग देखते हैं अगला कहाँ पर आते हैं, फर्रुखाबाद। अगला नंबर फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद, फर्रुखाबाद में किस महोत्सव का आयोजन किया जाता है? बताइए भाई, तो कौन सा? कंपिल महोत्सव, कंपिल महोत्सव, कंपिल महोत्सव कहाँ पर? फर्रुखाबाद के अंदर। देखिए कबीर उत्सव, अगला डाल लीजिए, कबीर उत्सव कहाँ पर मनाया जाता है? संत कबीर नगर, संत कबीर नगर,
संत कबीर नगर, यहाँ पर किस उत्सव का आयोजन किया जाता है? तो कबीर उत्सव, कौन सा कबीर उत्सव? कबीर उत्सव संत कबीर नगर में एक जगह है मगहर, और वहीं पर कबीर उत्सव का आयोजन किया जाता है। चलिए आगे देखते हैं हम लोग। देखिए अगला नंबर डाल लीजिए आप, जो भी है आपका। कजली महोत्सव, कजली कजली महोत्सव, चलिए इधर लिखिए आप। कहाँ पर? महोबा, महोबा में बताइए कौन सा महोत्सव। देखिए कजली और कजरी दो अलग अलग महोत्सव हैं, और दोनों अलग अलग स्थानों पर मनाए जाते हैं। तो महोबा में किस महोत्सव का आयोजन होता है बताइए भाई? यहाँ पर कजली महोत्सव, कौन सा कजली महोत्सव? कजली महोत्सव कजली महोत्सव का आयोजन कहां पर होता है? महोबा के अंदर। अगला देखिए, मिर्जापुर, मिर्जापुर बताइए यहां पर किस महोत्सव का आयोजन होता है? तो कौन सा कजरी महोत्सव, कजरी महोत्सव, कजरी महोत्सव का आयोजन कहाँ पर होता है? मिर्जापुर के अंदर। और कजली महोत्सव का आयोजन महोबा के अंदर। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ला है और यहाँ पर रा है, ठीक है, इसे आप ध्यान रखें। कजली महोबा के अंदर, कजरी मिर्जापुर के अंदर। बताइए यहाँ तक कोई दिक्कत है? इतने आपके इम्पोर्टेंट थे मेले और महोत्सव जो कि उत्तर प्रदेश की परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, लेखपाल की परीक्षा के लिए इतने इम्पोर्टेंट है। अगर प्रश्न आएगा तो यहाँ से बाहर नहीं जाएगा, इसे आप ध्यान रखें, ठीक है। और इतने तैयार कर लें, प्रश्न यहीं से बन जाएगा, अगर आएगा तो एक प्रश्न आने का चांस रहता है, वो यहीं से आ जाएगा इतने में से, क्योंकि एग्जामिनर जो है वो भी प्रसिद्ध या फिर फेमस मेला या महोत्सव पूछता है, ठीक है, जो बहुत इम्पोर्टेंट है। चलिए भाई, क्लास अगर अच्छी लगी तो क्लास को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस कर दें, ठीक है। शेयर भी कभी कभार कर दिया करो क्लास को। धन्यवाद।